जो रायपुर से आ रही विधानसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है, जहां छत्तीसगढ़ में आप अब कांग्रेस को समर्थन नहीं देगी। आपके प्रदेश प्रभारी संजीव झा ने इसको लेकर बयान दिया है, झा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया है। तो वही छत्तीसगढ़ में आप अब मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में जहां पहले एक तरफ हम देख रहे थे कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा सीधा मुकाबला था, ये कयास जरूर लगाए जा रहे थे, चर्चा की जा रही थी कि कांग्रेस को क्या आप समर्थन देगी, लेकिन यहां पर बयान आ चुका है संजीव झा का। उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि छत्तीसगढ़ में आप जो है मजबूती के साथ चुनाव लड़ने वाली है, वो कांग्रेस को समर्थन नहीं देगी। और झा ने कांग्रेस पर भ्रम फैलाने का आरोप भी लगाया है। तो बता दें कि आपकी प्रदेश प्रभारी है संजीव झा, जिन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। तो देखिए, विधानसभा चुनाव को लेकर अब थोड़ा ही वक्त बचा है, ऐसे में पार्टी एक्टिव मोड में नजर आ रही है। और इस बीच आपके प्रदेश प्रभारी संजीव झा की तरफ से एक बड़ा बयान सामने निकल कर आया है। बयान में उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि आप कांग्रेस को समर्थन नहीं देगी, बल्कि अकेले एक मजबूत पार्टी के तौर पर विधानसभा चुनाव के मैदान में इस बार उतरेगी। तो देखिए, आप पार्टी की अगर बात की जाए तो आप पार्टी की तरफ से भी लगातार प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया जा रहा है। बीते दिन भी हमने देखा था कि प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया गया था। तो एक तरीके से देखा जाए तो इस बार एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरती हुई आप पार्टी यहां पर नजर आ रही है। और चलिए इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नीलेश हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुक करेंगे। नीलेश, देखिए, चर्चा चल रही थी कि शायद आप जो है कांग्रेस को समर्थन दे सकती है, लेकिन प्रदेश प्रभारी ने यह बयान देकर तस्वीर साफ कर दी है कि आप कांग्रेस को समर्थन नहीं देगी, बल्कि मजबूती के साथ विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेगी। जी बिल्कुल, जब से INDIA अलायंस का जो हुआ था देश में, उसमें आप उसमें पार्टी थी, तो इसके बाद से यह कयास लगाए जा रहे थे कि राज्य विधानसभा चुनावों में भी क्या आप कांग्रेस को समर्थन करेगी जिन भी राज्यों में चुनाव हैं। लेकिन इसके बाद आज ये स्थिति स्पष्ट हो गई कि आप जो है पूरी तरह से अकेले ही चुनाव लड़ेगी, यहाँ छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को उसका समर्थन नहीं होगा। संजीव झा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात और कही कि कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पर एक खबर फैलाई जा रही थी जिसमें ये कहा जा रहा था कि आप जो है वो समर्थन कर रही है कांग्रेस का छत्तीसगढ़ चुनाव में, तो उसका खंडन भी उन्होंने किया और कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। बता दें कि अभी तक 22 सीटों पर आपने दो सूचियों में 22 सीटों पर प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। उन प्रत्याशियों से भी आज संजीव झा ने मुलाकात की प्रदेश कार्यालय में, और वहाँ पर फिर एक जश्न मनाया गया, जो प्रत्याशी थे जिनको टिकट मिली उनके समर्थकों ने जश्न मनाया, और फिर वहाँ से एक मैसेज देने की कोशिश की गई कि हम जो है मजबूती से छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ेंगे, किसी भी पार्टी का हम सहयोग नहीं करने जा रहे हैं। जी नीलेश, देखिए, मजबूती के साथ चुनाव लड़ने की बात यहाँ पर आप कर रही है, तो क्या लगता है विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी और कांग्रेस के लिए एक चैलेंज होगा आप पार्टी? देखिए, अभी तक के जो राजनीतिक हालात छत्तीसगढ़ में नजर आ रहे हैं, उसमें पिछले विधानसभा में चुनाव में जरूर जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे ने एक माहौल बनाने की कोशिश की थी और उनको फायदा भी मिला था। उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के साथ गठबंधन किया था और 7 सीटों पर जीत हासिल की थी उनके गठबंधन ने। लेकिन आपकी स्थिति, तब भी आपने अकेले चुनाव लड़ा था और लगभग सभी सीटों पर चुनाव लड़े थे और ज़्यादातर सीटों पर नोटा से कम वोट आपके प्रत्याशियों को मिला था, जमानत लगभग हर सीट पर जब्त हुई थी। वह अभी मौजूदा हालात भी बहुत ज़्यादा आपके फेवरेबल नहीं लग रहे हैं, हालांकि चुनाव अभी 1.5 महीना बचे हुए हैं और तब तक जो प्रत्याशियों के नाम के ऐलान हो चुके हैं और आपकी अपनी क्या रणनीति होगी वो देखने वाली बात होगी। लेकिन छत्तीसगढ़ में जो अभी राजनीतिक समीकरण दिख रहे हैं, उसमें सीधा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच ही दिखाई दे रहा है, कोई किसी तीसरे दल की संभावना बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रही है। जी रितु, जैसा कि आप कह रहे हैं, ये तो हम सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाए तो कांग्रेस और बीजेपी के बीच सीधा सीधा मुकाबला देखने को मिलता है, लेकिन इस बार हमने देखा था अरविंद केजरीवाल भी छत्तीसगढ़ के दौरे पर पहुंचे थे और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई थी। तो क्या लगता है कि आप पार्टी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत जरूर बीजेपी और कांग्रेस के वोट काट सकती है? देखिए, जब भी आपका जिक्र राज्यों में चुनाव को लेकर होता है तो कांग्रेस का ये सीधा सीधा आरोप होता है कि जहां भी कांग्रेस मजबूत है वहां पर आप कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए पहुंच जाती है। जब अरविंद केजरीवाल का भी बस्तर में दौरा था, बिलासपुर में दौरा था, 3 से 4 दौरे उन्होंने अभी लगभग 1 साल में कर लिए हैं, 2-3 महीने में ज़्यादा इनकी हलचल छत्तीसगढ़ में बढ़ी है। ऐसे में भूपेश बघेल जो मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के, उनका भी बयान आया था कि वो जो गारंटी भी जारी कर रहे हैं उसका कोई मतलब नहीं है, और जहाँ पे भी कांग्रेस मजबूत होती है वो लड़ने के लिए आप पहुँच जाते हैं, ये भाजपा की बी टीम है, ये आरोप लगातार लगते रहे हैं। तो ये तो तय है कि आप जहाँ से भी मजबूती से भी चुनाव लड़ेगी वहाँ पर, चूँकि सत्ता में अभी कांग्रेस है और
लगभग जो भी एंटी इनकम्बेंसी की बात होगी वो कांग्रेस के लिए होगी, स्वाभाविक है। तो वैसे में नुकसान थोड़ा बहुत भी, जितना भी नुकसान पहुंचा पाए वो कांग्रेस के लिए ज़्यादा पहुंचाएगी, ऐसा लगभग जो भी राजनीतिक विशेषज्ञ हैं उनका भी यही कहना है कि जो भी नुकसान होगा वो सत्ताधारी दल को ही ज़्यादा होना है। जी तो नीलेश, आप बने रहिए हमारे साथ। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर बीजेपी के प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ जुड़ गए। तो चलिए धनंजय सिंह हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस से जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। देखिए, यहाँ पर आपकी तरफ से बयान आया है और ये साफ साफ कहा गया है कि कांग्रेस को समर्थन नहीं देंगे, इस पर आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूंगी सर। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ में विधानसभा के आम चुनाव है और आप पार्टी के साथ साथ बहुत सारे जो राजनीतिक दल जिनका छत्तीसगढ़ में ना तो कोई अस्तित्व है, जिनके पहचान और जिनके निशान को छत्तीसगढ़ की जनता नहीं भी जानती है, ऐसे बहुत सारे लोग आ रहे हैं यहाँ पे चुनाव अपने भाग्य आजमाने के लिए। और कांग्रेस पार्टी ने कभी तो छत्तीसगढ़ के चुनाव में आम आदमी पार्टी से सहयोग तो मांगा नहीं, ना समर्थन मांगा है। जब हम मांगे ही नहीं है तो वो समर्थन ही देने के ऐलान करे तो हमको क्या फर्क पड़ना है। हमारी कांग्रेस पार्टी छत्तीसगढ़ पर अपने दम पर, अपने सरकार के नीतियों पर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के चेहरे पर चुनाव लड़ने जा रही, हमने किसी से समर्थन मांगा नहीं है। तो आम आदमी पार्टी अगर एक करके हम समर्थन देंगे नहीं, अरे हम तो मांगे ही नहीं है तो देने के प्रश्न नहीं उठता, या उनके बयान से कोई लेना देना नहीं हमारा। तो देखिए, यहाँ पर प्रदेश प्रभारी है जो आपके, उन्होंने ये साफ साफ कहा है कि कांग्रेस को समर्थन नहीं देंगे। धनंजय जी भी इस पर हमारे साथ जुड़े हुए थे। धनंजय जी, जैसा कि देखिए पार्टी मजबूत है कांग्रेस की, अगर बात की जाए छत्तीसगढ़ में 71 विधायकों के साथ है, ऐसे में देखिए ये भी कहा जाता है कि आप, क्योंकि देखिए छत्तीसगढ़ में देखा जाए तो बीजेपी और कांग्रेस ही मजबूत पार्टी के तौर पर देखी जाती है, दोनों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिलता है, तो क्या लगता है आप एक मजबूत दावा करती हुई भी नजर आ रही है कि इस बार हम अच्छा प्रदर्शन करेंगे, इसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आप पार्टी के सांसद बहुत सारे ऐसे जो राजनीतिक दल, मैंने पहले भी कहा ना जी सर, ना तो छत्तीसगढ़ में कोई अस्तित्व है, ना ही छत्तीसगढ़ की जनता इनके कोई नेता को पहचानते, ना इनके सिंबल को पहचानते हैं। ये हर बार चुनाव में आते हैं, कई सारे राजनीतिक दल आते हैं, उसमें एक आप पार्टी भी है। तो इनके छत्तीसगढ़ में चुनाव लड़ने से कांग्रेस की सेहत में कोई फर्क नहीं पड़ना है। छत्तीसगढ़ में हमारा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ में है और हम इस चुनाव में 75 से अधिक सीट जिसे कांग्रेस पार्टी जनता के बीच में है, हमारे सरकार के काम है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का चेहरा है और हम 75 सीट जीतने के लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रहे हैं, पुनः सरकार बनाएंगे। और बहुत सारे राजनीतिक दल है जो चुनाव में तो देखते हुए आते हैं और भाग का वोट काटने की रहती है, तो इससे कोई खास फर्क पड़ना नहीं है कांग्रेस पार्टी पे। तो चलिए, धनंजय का ये साफ साफ कहना है कि आप अगर कांग्रेस को समर्थन नहीं भी देती है तो इससे पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, पार्टी मजबूत स्थिति में और 75+ का टारगेट इस बार लेकर चल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही साथ नीलेश हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए थे।